हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूअर जेडोस चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक वर्सेस एनआईटी वर्सेस ब्रांच फॉर जेडब्ल्यू मेंस 2021 और हम यूज करने वाले हैं 6th राउंड का कट ऑफ ऑफ जेसा 2020। हम देखेंगे कैटेगरी ओबीसी एनसीएल के लिए और जेंडर फीमेल के लिए, और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं अदर स्टेट कट ऑफ पे। सो हेलो ऑल, आई एम लिखिलेश बालपांडे, करंटली डूइंग माई बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जो आपके काफी काम आएगी। ये जोसा 2019 के एनालिसिस है, जेडब्ल्यू मेंस 2020 के लिए काफी हेल्पफुल थी, और ये जोसा 2019 की प्लेलिस्ट है जो जेडब्ल्यू एडवांस 2020 के लिए थी, क्योंकि जोसा जो काउंसलिंग है वहां पे तो दोनों मेंस और एडवांस दोनों की काउंसलिंग होती है, लेकिन जो कट ऑफ जाते हैं एनआईटीज और आईआईटीज के वो अलग अलग होते हैं। सो ये एडवांस के लिए है, और ये फिर अभी लेटेस्ट है जेडब्ल्यू एडवांस 2021 के लिए। मतलब जब आप मेंस देने के बाद एडवांस के रैंक वर्सेस मार्क्स के लिए देखोगे तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, और ये कुछ एनआरएफ रैंकिंग और एनालिसिस के वीडियोस है, जो अगर आपको लगे कि एनआरएफ रैंकिंग के बारे में कुछ और डिटेल में जानना है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो चलिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो है रैंक वर्सेस कॉलेज वर्सेस ब्रांच। सो ये 6th राउंड का कट ऑफ है ओबीसी एनसीएल फीमेल के लिए, और इस साइड आप देख सकते हो यहाँ पे सभी एनआईटीज के नाम है, और ये जो रैंक्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स है, और ये जो रैंक है ये ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी रैंक्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो जाता है फर्स्ट 3000 रैंक्स और रैंक होल्डर का क्या सीन था। तो जो एनआईटी ट्रिची के सीएससी का कट ऑफ गया था वो 1100 था बीटेक के लिए, और ये सारे बीटेक प्रोग्राम दिख रहे हैं, लेकिन हर जगह आपको बीटेक नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको कोई और डिग्री हो सकता है, जैसे 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक, और कहीं पे मतलब कभी कभी बीएससी एमएससी भी होता है। तो यही कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर रखी है। तो आप देख सकते हो कि ये टॉप 3000 के लिए था, जहाँ पे एनआईटी ट्रिची के सीएससी का 1100 गया था, और एनआईटी राउर के लिए सीएससी का गया था 2982। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जो भी आपके लिए सही लग रहे। फिर आ जाते हैं 3000 से लेके 5000 के लिए। तो वीएनआईटी के सीएससी का कट ऑफ गया था 3159, और एनआईटी दिल्ली के सीएससी का कट ऑफ गया था 4822। और ये सारी जो रैंक्स है ये अदर स्टेट रैंक्स है, होम स्टेट रैंक्स की हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे, ऑल इंडिया के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के कोटा में। तो एनआईटी सूरत कल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 5000, और वीएनआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 8000। ये हो जाता है 5000 से लेके 8000 का सीन, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और फिर नीचे आ जाते हैं, ये हो जाता है 8000 से लेके तो 10000 तक का। तो एनआईटी भोपाल के ईसी का कट ऑफ गया था 8010, और एनआईटी हमीरपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 9958। फिर नीचे आ जाते हैं, ये है 10000 से लेकर 12000 तक। तो वीएनआईटी के सिविल का कट ऑफ गया था 10055, और राउरकेला के मेटलर्जिकल का कट ऑफ गया था 11984। नीचे आ जाते हैं, फिर ये हमीरपुर के जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कट ऑफ गया था वो 12069 था, और एनआईटी राउरकेला के बायोटेक्नोलॉजी का गया था 12990। तो अभी धीरे धीरे जो कोर ब्रांचेस है वो कम और फिर और नीचे नीचे आ रहे हैं हम ब्रांचेस की, जिस तरह से मतलब जनरली लोगों का प्रेफरेंस होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वीएनआईटी के केमिकल का कट ऑफ गया था 13147, और सूरत के केमिकल का कट ऑफ गया था 14958। फिर और नीचे आते हैं तो एनआईटी राउरकेला के सिरेमिक का कट ऑफ गया था 15027, और एनआईटी सूरत के सिविल का कट ऑफ गया था 15990। अभी आप देख सकते हो, अभी धीरे धीरे यहाँ पे जो न्यू एनआईटीज है वो दिखेगी आपको, पुरानी एनआईटीज कम होती जा रही है, और जिनकी जो एनआरएफ रैंक्स कम है वो एनआईटीज यहाँ पे उनके कोर ब्रांचेस दिख रहे हैं। जैसे एनआईटी सिलचार की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 16043, और एनआईटी भोपाल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 16978। फिर आ जाते हैं एनआईटी राउरकेला के फूड प्रोसेसिंग का कट ऑफ गया था 17176, और एनआईटी जालंधर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 17909, जो कि ऑलमोस्ट 18000 कह सकते हैं आप। और फिर जमशेदपुर का कट ऑफ गया था 18050, और एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ गया प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 18918। तो ये हो जाता है आपका 18 से लेकर 19000 रैंक होल्डर्स के लिए।
फिर आ जाते हैं हम 19,000 से लेकर 20,000 के लिए। तो आप देख सकते हो एनआईटी मणिपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 19,104, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के सिविल का कट ऑफ गया था 19,879। अगर आपको कहीं पे भी ये एब्रीवेशन समझ में ना आए, वैसे तो समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कुछ भी आपका डाउट सजेशन हो तो आप बता सकते हो। ये सारे शॉर्ट फॉर्म एकदम यूजुअल है, जैसे ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ई सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो आपको होपफुली सब समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो ये हो जाता है 20,000 से लेकर 21,000 के लिए एनआईटी हमीरपुर के मटेरियल एंड साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 20,062, और एनआईटी नागालैंड के सिविल का कट ऑफ गया था 20,914। तो अभी आ जाते हैं, ये है एकदम फाइनल रैंक होल्डर्स जो कट ऑफ गए थे। तो ये है एनआईटी रायपुर के माइनिंग का कट ऑफ गया था 21,131, और फिर जो लास्ट रैंक थी वो थी 21,935, जिसके थ्रू एनआईटी में ओबीसी एनसीएल फीमेल कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था बीटेक में 6th राउंड में। वैसे तो फिर इसके बाद जो होता है, मतलब स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 भी होता है, जिसमें आप अप्लाई करके और मतलब काफ़ी चांस होता है, मतलब जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा होती है उनको भी। लेकिन ये जो 6th राउंड तक है वो थोड़ा सेफ माना जाता है, उसके बाद ये रिस्की हो जाता है स्पेशल राउंड में अप्लाई करना। तो 6th राउंड में जो फाइनल कैंडिडेट था ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंडर, फीमेल कैटेगरी के अंदर, तो वो था एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के लिए, और जो कट ऑफ गया था ओबीसी एनसीएल कैटेगरी रैंक थी 21,935। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स लिखा हुआ है। इस जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक भी कोर्स दिखा होगा आपको, तो इसका मतलब है कि 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक होता है जनरली, लेकिन ये 5 सालों में बीटेक प्लस एमटेक दोनों चीजें करवा देते हैं। तो ऐसे भी कुछ कोर्सेस है बीच में जिनको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ये इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है जिसमें बीएससी और एमएससी 5 साल में करवा देंगे, वो है केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखिएगा और चूज कीजिएगा सही से आपके रैंक का, जो समझिए आपकी रैंक अगर कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल 19,000 है, तो आपका जो मेन फ्लक्चुएशन जोन होगा वो यही ±1,000 रैंक तक। तो इस जो रेंज है यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी आपको मिलेगा फिर वो 4 ईयर्स 5 ईयर्स आपको आगे मतलब उसी से स्ट्रिक्टली बाइंड रहोगे आप। तो वाइज डिसीजन लीजिए, कुछ भी जल्दी मत कीजिए, आराम से। और ये जो है ये सब प्रेफरेंस की लिए, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि यही लेना पड़ेगा या फिर मतलब ये बस ट्रेंड है जो पिछले साल था, शायद इस साल ना भी रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही चीज है जो आपको पता मतलब यही चीज है जो आपको बताएगी कि क्या मिल सकता है, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना आपके हाथ में कि क्या मिल सकता है उसका अंदाजा लगाने के लिए। तो ये आपके बहुत काम आ जाएगा अगर आप मतलब ध्यान से इस पे फोकस करोगे तो। और ये है पेपर 2 का, अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसने पेपर 2 भी दिया था, तो आप देख सकते हो कि जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में मतलब वो फीमेल का कट ऑफ जो गया था इन इन स्पेसिफिक एनआईटीज में, जहाँ पे ये बीआर को और बी प्लान के कोर्सेस अवेलेबल है पेपर 2 के हिसाब से, तो वो इस तरह से था कि ट्रीची का 164 गया था और पटना का 681 गया था। ये ओबीसी एनसीएल रैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि हर अपडेट की जो डिटेल्स है वो आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।